माय ब्लॉग। हमारे ट्रेनिंग के ग्रुप है एज अ स्पेशल गर्ल नेम्ड एज संध्या। संध्या हाय बोलो। अरे हाय। सो आई नो दैट आई डोंट हैव होल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, सी जो जो पोस्टल एनवायरनमेंट स्कीम से मालूम मुझे पूरी इंफॉर्मेशन आई है, बट व्हाटएवर आई लर्न हियर, जो भी सामने बताया, जो भी यहां जितने भी भैया और दीदीया जो भी थे, वो आए उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया, उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी जो मेरे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है अबाउट। देखिए ये क्या हो गया, बोलते हैं कौन सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मी हर्षिता राठौड़ वर्किंग एज अ बीपीएम। तो आई थिंक इज दिस कि जब आप बीपीएम की जो जॉब रहती है उसको ज्वाइन कर लेते हो, उसके दो तीन महीने बाद या समटाइम्स आफ्टर अ मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाती है, जो होती है पूरे 15 दिन की, जो हमारी अभी शुरू हो गई है। दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम इन एचओ और अभी हम यहां बैठे हैं गार्डन में। ट्रेनीज यू कैन सी, से हाय टू माय व्लॉग। और यहां जो आप देख पा रहे हो, दिस इज अवर एचओ इन खंडवा डिवीजन। तो अभी लंच ब्रेक था, दैट्स व्हाई हमने अभी लंच कर लिया है और अभी फिर से जाएंगे हम फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स अबाउट पोस्टल डिपार्टमेंट एंड ऑल अबाउट द स्कीम्स ऑफ इट। आई सीन खंडवा, दिस इज हाउ पोस्ट ऑफिस लुक्स लाइक। यहाँ पर एक गार्डन काइंड ऑफ एरिया जहाँ पर जो भी यहाँ का फैकल्टी स्टाफ वगैरह जो भी है, ट्रेनिंग जो भी आते हैं, दे कैन हैव लंच और कैन वेट। इधर है ऑफिस जहाँ पर जो भी क्या बोल सकते हैं अपन पोस्ट वगैरह आती है उसको यहाँ से सॉर्टिंग वगैरह होके आगे जो दूसरे बीओ रहते हैं वहाँ पर भेजा जाता है। देन इधर यहाँ पर है एक जहाँ से लोग सारे अपने पैसों को डिपॉजिट या जो विड्रॉल करना रहता है वो करवा सकते हैं। पीछे एसएसपी सर का ऑफिस होता है, हु इज़ अ सुपरिटेंडेंट बेसिकली, तो उनका ऑफिस पीछे की साइड होता है और पीएलआई आरपीएलआई का ऑफिस भी उधर ही रहता है। इधर यहाँ पर एक एटीएम जहाँ से जब आप एसबी अकाउंट या और कोई सा है तो उसके लिए आप एटीएम की फैसिलिटी। वी आर एट दिस प्लेस, पार्क नेम इज इंडिया पोस्ट ऑफिस गार्डन, सो स्ट्रेंज। तो जो फर्स्ट टाइम जब हम पैसे एटीएम का यूज़ करना चाह रहे हैं, सो वी हैव टू जनरेट पिन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एटीएम ओनली। ये एटीएम खरगोन एंड खंडवा इन एमपी सर्कल अवेलेबल है और दिस इज ऑल द व्यू ऑफ गार्डन। अभी हमको वापस से जाना रहेगा फॉर ट्रेनिंग, तो थोड़ी देर या अभी आर जस्ट वंडरिंग हियर बिकॉज इट वॉज लंच टाइम। इसके बाद हमको फिर से जाकर क्लास को अटेंड करना रहेगा एंड यू आर गोना लर्न मोर थिंग्स अबाउट एसबी अकाउंट और जो भी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस में वो सबके बारे में। ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है इन अवर क्लासरूम, हमको वहाँ जाना है और सबको एक एक स्कीम के बारे में एक्सप्लेन करना रहेगा, क्योंकि सुबह सर ने हमको एसबी एसएसए और पीपीएफ एंड केवीपी एंड एससी ये सारी जो भी पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स रहती है सबके बारे में बताया था एंड नाउ ही हैज सेड कि सबको आके प्रेजेंटेशन देना रहेगा। तो उसके लिए हमने दो टीम बनाई है जो मैं अभी आपको इस ब्लॉग में आगे शेयर करूंगी, सो लेट्स गो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक कर देना वीडियो को और मिलते हैं। So this is IPB office and here's the way we are, DTC office is there. So here's the water facility. विजय, कृष्णा, राहुल, मुकेश, हरिओम, वेदांत और राजपाल, ठीक है। और जगपाल की टीम में है स्वाति, नहीं कुछ जज बन गई ना। सो गाइस हियर आर टू टीम्स, फर्स्टली एक है संध्या की टीम एंड सेकंड वन इज जगपाल की टीम एंड दिस थ्री मेंबर्स आर बेसिकली जज एंड आई आल्सो गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। तो इसमें आप देख सकते हो दोनों साइड 11 पार्टिसिपेंट्स है और सबको एक एक से प्रेजेंटेशन देना है और एक्सप्लेन करना है एक एक स्कीम को। तो अब आप पहले तो टीम वाइज बैठ जाओ। सभी सबसे पहले जगपाल भैया की टीम से आने वाले हैं कुमरेश भैया, सो लेट्स सी दिस। जिसके लिए कस्टमर को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, कस्टमर का फोटोग्राफ और अकाउंट ओपनिंग करते समय नॉम। टीडी को क्लोज करवानी है, प्रोसेस क्या है? डॉक्यूमेंट या फिर जो भी आपने वो उसके लिए पीले कलर का शॉप करवा देना। हां मैंने कहा वो आरडी और हां फोन आ रहा है अथर्व भैया। मतलब जो आरडी अकाउंट है अपना जो पोस्ट ऑफिस के अंदर का जो आरडी अकाउंट ओपन होता है वो उसके बारे में आपको एबीपी पे नहीं है, एनएससी से पहले से एबीपी पे एससीसी की धारा में छूट नहीं है।
प्रेरणा मिलती है। आज मैं आपको सुकन्या समिति योजना के बारे में बताऊंगी। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसमें इस अकाउंट में 0 से 10 ईयर तक का अपन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में किसी एक ही जगह इस अकाउंट ओपन किया जा सकता है। एक फैमिली केवल 2 लड़कियों का ही हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डेट ओपनिंग से 21 साल तक इस अकाउंट का खुला अकाउंट चलता है और 15 साल तक इसमें ट्रांजेक्शन करना होता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट इसमें बर्थ सर्टिफिकेट और गर्ल चाइल्ड गार्जियन के KYC फॉर्म लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसा। सो गाइस, हमको कुछ पिछले ट्रेनिंग डेज में ये सारी चीज़ें सिखाई है अबाउट मेल्स, अबाउट ऑल द स्कीम्स, लाइक SSA क्या होता है, सुकन्या में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं व्हेन रीओपन एनी अकाउंट, और उसके साथ साथ प्री मेच्योर क्लोजर फैसिलिटी कौन से अकाउंट में है एंड ऑल दिस। जॉइंट मतलब दो पर्सन और 3 पर्सन और किसी बच्चे का खुलवा सकते हैं उसकी गार्जियन के थ्रू, और जो वो कभी 10 साल के ऊपर हुआ तो उसका सेल्फ अकाउंट खुल सकता है। इसमें ये फिक्स रहता है, जैसे चेक देते तो सर मतलब हेड ऑफिस के थ्रू वो चेक तो क्लियर करा है और फिर वो अगर सीनियर सिटीजन होते हैं जो 60 साल हो चुके हैं या फिर कोई सर्विस में है उसकी एज 55 हो चुकी है, वो अपने रिटायरमेंट पीरियड से पहले अपने रिटायरमेंट का जो उनको फायदा मिला है वो लेकर अपने सीनियर सिटीजन की जो स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। इसकी जरूरत हमें पढ़ने से पहले गवर्नमेंट की होती है, गवर्नमेंट को पैसा कैसे बनना है मार्केट से, जब पैसा बहुत ज्यादा होता है तो मन सीज करने के लिए गवर्नमेंट एनएससी करती है। अब हमें क्या जरूरत पड़ी, तो हमें जैसे बहुत पैसा है कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, इनके लिए आपको एक फिक्स पीरियड के लिए TD के अलावा आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप एनएससी में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे नाम से लिखा करता है सर्टिफिकेट, पहले ये सर्टिफिकेट फॉर्म इशू होता था जिसका नाम क्या रहता था, जो पीरियड लिखा रहता था अमाउंट मैच्योरिटी डेट लिखी रहती, अभी पासबुक के फॉर्म में इशू होता है। जो एनएससी है ये कितने डिनोमिनेशन से स्टार्ट होता है, 1000 रुपीज से आप एक सर्टिफिकेट अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम कोई लिमिट वो बोलता है जॉइंट में मिनिमम 3 लाख और उसका मैक्सिमम ज्यादा 15 लाख हो जाता है, उसका जो इंटरेस्ट होता है वो महीने में चलता है, वो एसबीए को तो किसी एसबीए अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, माता जी, उसमें लोन की फैसिलिटी नहीं रहती ना ट्रांसफर की फैसिलिटी रहती है, इसका प्री मैच्योर क्लोजर भी होता है। अकाउंट कितने में बनवा सकते हैं, और इसमें जो ब्याज रहता है वो 1 साल के लिए 6.9% रहता है और 2 साल के लिए और 3 साल के लिए 7% रहता है और बाकी 5 साल के लिए 7.5% रहता है। रोग निरोग कैसे होते हैं उसमें आपको 5 या 3 अकाउंट चलाना पड़ता है, उसके बाद आप और मैक्सिमम 1,50,000 रुपए। तो जब आपके पास पहले एक और सेकंड टाइम पर ट्विंस होता है उन तीनों का ही अकाउंट खोला जा सकता है। उसके बाद इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, KYC फॉर्म, गार्डियंस और बेबी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब इसके लिए तो उसका सर्टिफिकेट हो जाता है, तो उसके थ्रू गार्डियंस उसके मैसेज करवा सकते हैं। सभी को जज करने के बाद उनको मिले मार्क्स एंड द विनर टीम वॉज बेसिकली जगपाल भैया की टीम हु गॉट मोर नंबर्स देन संध्या की टीम। सो दिस आर द गाइस हु आर विनर बेसिकली, और मैंने लास्ट में MIS के बारे में एक्सप्लेन किया एंड दैट्स इट। तो आई नो दैट आई डोंट हैव ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम्स की जो भी पोस्टल डिपार्टमेंट स्कीम्स उसके बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वॉट एवर आई लर्न हियर जो भी सर ने बताया, जो भी यहाँ जितने भी भैया और दीदिया जो भी थे वो आए, उन्होंने जो भी एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी, जो भी मेरे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट महिला सम्मान स्कीम तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। So guys, this was the day. बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिली and connected with many more people as well. और उसके बाद it was the time to finish this day. तो हम निकल गए घर की ओर, तो मिलते हैं next vlog में, till the time, bye guys.